दीवाना तुझा मिया तुझा आशिक जाएगा बहुत अदा तुझी कातिल दिल रायल जाएगा सांग लव मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत गिरेगी, काइंड मास्टर। अगर आपके पास विदाउट वाटरमार्क वाली काइंड मास्टर नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पे से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन में चले जाना। उसके बाद यहाँ पर से आपको 9:16 का रेशो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे से आपको एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ, इसी तरीके से आपको भी एक फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में चले जाना और इस फ़ोटो को एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन पे क्लिक कर देनी है, फिर इस फोटो को एक्सटेंड कर देना है, आपको जितने सेकंड्स के वीडियो बनाना है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से ये वाली ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को ले लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगी क्रोमा की ठीक है, इस पर चले जाना और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस फोटो पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बाजू में ऑप्शन मिल जाएगी कलर फिल्टर की, ठीक है, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे बेसिक में चले जाना और यहाँ पर जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक ब्लू कलर की एक कलर इफेक्ट मिल जाएगी, ये वाली कलर को लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन है वहाँ पर आ जाना, उसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग जो फोटोज है उसको यहाँ पर से ट्रिम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाली जो आपकी वीडियो होगी उसको यहाँ पे से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए बैक आ जाना, उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन स्क्रीन थी यहाँ पे से इसे डिलीट कर देना और यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर फिल्टर पे आपने जो कलर फिल्टर लगाए थे उसे यहाँ पे से रिमूव कर देना है, नन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और अब ये जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी वो वाली वीडियो आपको ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। इस ग्रीन स्क्रीन वाले इफेक्ट पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोमा की पे चले जाना और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे की कलर मिल जाएगी आपको, इसमें चले जाना और यहाँ पे से आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली PNG टेक्स्ट को ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ रख देना है, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देनी है, फिर इसे एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से ये वाली ब्लैक स्क्रीन वाली इफेक्ट को ले लेनी है, इस तरीके से जूम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन साइड में ऑप्शंस मिल जाएगी ब्लेंडिंग के, ब्लेंडिंग में चले जाना है, फिर इसे भी स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑडियो पे चले जाना है, ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली सॉन्ग ले लेनी है, फिर यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये बॉर्डर वाली इफेक्ट को ले लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे से फिट टू स्क्रीन कर देना है, फिर इसे एक्सटेंड कर देनी है अपने पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।